चार चार मैच विनर्स की वापसी, रोहित शर्मा ही रहेंगे कप्तान। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी ने एशिया कप में होने वाले खिलाड़ियों का नाम चयन किया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को मालूम है कि सितंबर से एशिया कप चालू हो जाएगा, जो पाकिस्तान और श्रीलंका मिलके इसको मेज़बानी करेंगे, और हो सकता है टीम इंडिया ने पाकिस्तान न जाकर श्रीलंका अपना मैच खेले। तो आइए हम जानते हैं वो कौन कौन से नाम है जो खेलेंगी टीम इंडिया की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि 2 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान की भिड़ंत भी होगी, और ये भिड़ंत बहुत ही ज़बरदस्त होती है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका होता है इस टीम को देखने के लिए, और भारत का स्टार बल्लेबाज है वो भी इस टीम में है कि नहीं है, आइए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी टीम है। यहाँ दोस्तों, इंडिया स्क्वाड फॉर एशिया कप 2023 आप देख सकते हैं, रोहित शर्मा ही कप्तान रहेंगे, दूसरे नंबर पर शुभम गिल, तीसरे नंबर पर विराट कोहली, चौथे नंबर पर ईशान किशन, उसके बाद तिलक वर्मा, सिरस अय्यर, के एल राहुल जो विकेट कीपर के तौर पर इनका चयन हुआ है, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या जो वाइस कैप्टन रहेंगे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, और एक और चौंकाने वाला नाम आया है प्रसिद्ध किसना का। जी हाँ दोस्तों, अभी प्रसिद्ध किसना आयरलैंड से जो मैच हो रहा है उसमें खेल रहे हैं और ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं। कुछ लोग चोटिल थे, उनकी भी वापसी हुई है, जैसे केएल राहुल और बुमराह इस समय, और एक और नाम चौंकाने वाला इसमें तिलक वर्मा जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ काफ़ी अच्छा खेले थे। ये स्क्वाड है, और कप्तान रोहित शर्मा से सवाल करने पर वो क्या कहते हैं, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। जो आपके पास अवेलेबल रहता है आपको उसी से काम चलाना पड़ता है, और हमारे पास जो अवेलेबल है, जो बेस्ट है, जो परफॉर्म कर रहे हैं, हम उनको चांसेस देते हैं। यू कैन नॉट ओवरनाइट क्रिएट समवन हु कैन बोल्ड इन द टीम, यू नो इट इज नॉट लाइक दैट। यू नो ऑल दीज गाइज आर बैटर्स एंड दे हैव स्कोर्ड रन्स, दैट इज व्हाई दे आर, यू नो दे आर पार्ट ऑफ द टीम, बट होपफुली यू नो शर्मा एंड कोहली कैन रोल सम आर्म ओवर।